हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साईं सीमा गुप्ता ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, आज मैंने बनाया है कचरी। इसको हमारे यहाँ ना कचरी बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोला जाता है? वैसे तो आजकल हिंदी में इसको ना मैदे का नमकीन ज़्यादातर तो लोग बोलते हैं, बट हमारे यहाँ प्योर यूपी में इसको कचरी बोला जाता है। तो गाइज, ये कचरी बारिश हो रहा हो, छमा छम, और कुछ क्रिस्पी खाने का मन करे तो 5 मिनट में बनाइए ये क्रिस्पी मैदे का कचरी, और चाय के साथ लीजिए, मज़ा। अगर कोई घर पे गेस्ट आते हैं तो उन्हें भी आप दे सकते हो, और आप लोग तो मज़ा ले ही सकते हो। तो गाइज, मैंने लिया है मैदा। मैदा को मैं छान लेती हूँ। और गाइज, आप लोग, आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बोल दीजिएगा। तो गाइज, मैं अब डाल दे इस मैदे में डाल देती हूँ नमक, स्वाद अनुसार उस पर नमक डालती हूँ। ये मैं ले रही हूँ काला सा मंगरेल, ये देखिए, ये काला सा मंगरेल ले रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी मीठा तेल की, उससे ताकि उसे क्रिस्पी बने। तो मीठा तेल मैं इसमें डाल के, और आटे को अच्छे से नरम, मुझे इसको गूँथ लेना है, अच्छे से मैं इसको नरम गूँथ लूँगी। ये देखिए, ये देखिए, एकदम आटे को, ये मैदा है ना गाइस, इसको कितना भी नरम करो तो ये चिम्मर हो जाता है, और चिम्मर रहता ही है, मतलब जल्दी वो फैलता नहीं है जल्दी। तो इसमें मैं थोड़ा सा 2 चम्मच डालती हूँ तेल, और तेल डाल के इसको अच्छे से फिर से मैं इसको गूँथूँगी, क्योंकि जब तेल ज़्यादा इसमें रहेगा ना तो इसको बेलने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो बहुत ही मतलब जान निकाल लग जाती है इसको बेलने के लिए, बहुत पतला बेलना पड़ता है ये कचरी को बनाने के लिए। तो ये देखिए, अब लगभग हमारा ये कचरी का आटा रेडी हो गया है, बहुत ही नरम हो गया। तो इसको मैं 10 मिनट के लिए भी फूलने के लिए छोड़ के, और हाँ, अभी मेरा 10 मिनट हो गया है। तो अब मैं आ जाती हूँ अपना वापस गैस पे, और कढ़ाई चढ़ा देती हूँ, और इसमें डाल देती हूँ तेल। और तेल गरम होते ही मैं अपना फटाफट कचरी तल लिया करूँगी। तो गाय, सावन का महीना चल रहा है, और आज मैं बहुत दिनों के बाद मैं आई हूँ अपने किचन में ब्लॉग बनाने के लिए। वैसे मैं नहीं बना पा रही थी, अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बना रही थी। जैसे मैं ब्लॉगर हूँ तो जो मुझे जिसमें मुझे इंजॉयमेंट लगता है, मैं वो उस पर ब्लॉगर बना लेती हूँ। तो बस कल के लिए वीडियो नहीं था मेरे पास, तो मैं फटाफट आई और कचरी बना दी कि कल मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी, क्योंकि मुझे वीडियो रोज़ डालना अच्छा लगता है। तो ये देखिए गाइस, इसमें जितना मैं तेल डालूंगी ना उतना ये नरम रहेगा, तो अब बेलने में ईजी रहेगा, नहीं तो ये ना जल्दी मतलब बेला बेला ही नहीं पाता है, खींचा खींचा रहता है। ये देखिए, तो मैंने तेल डाल के अच्छे से इसको बेल लिया है, बहुत जितना पतला हो सके उतना पतला इसको आप बेल सकते हो, जितना पतला हो सकता है उतना पतला आप इसको करोगे। उससे क्या होगा ना कि मतलब मुंह में जाते ही ना कचरी गल जाएगा, और बहुत क्रिस्पी, बहुत स्वादिष्ट होगा। ये चाय के साथ बड़ा ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है चाय के साथ। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए, बारिश के महीने में कुछ अगर क्रिस्पी खाने का मन किया तो 5 मिनट में बनेगा ये, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो गाइस, मैं चाकू से ही इसको कटिंग कर रही हूँ, मेरा कटिंग करने वाला है बस ऊपर रखा हुआ है, तो थोड़ा आलसपन आ रहा है, कौन निकालेगा, तो चाकू से ही काम चला लिया जाता है। तो ये देखिए गाइस, मैं चाकू से ही फटाफट इसको काट लेती हूँ। देखिए मैंने कितना पतला इसको मतलब बेला हुआ था, इसका डिजाइन देखिए कितना अच्छा डिजाइन बन के निकला हुआ है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर डिजाइन बन के निकला हुआ है। तो ऐसे करके मैं सारे बना लूँगी इसको, ऐसे करके मैं सारे ही बना लूँगी। और मैंने आज सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो गाइज, ये थोड़ा कुछ पतला, जैसे हमारे में पलटा बोलते हैं, तो पलटा से इसको मैंने, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है कि चिपक जाएगा, और ये चिपकेगा बिल्कुल नहीं, मैदा है, आटा रहता है तो चिपक जाता, मैदा है नहीं चिपकता। तो गाइज, कढ़ाई पे तेल डाल दिया है, और तेल अब चेक कर रही हूँ कि गर्म हुआ है कि नहीं। जैसे ही गर्म हो जाएगा वैसे मैं अपना ये कचरी तल लूँगी। तो वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और गाइज, आप लोग का ना बहुत 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 धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हो, बहुत दुलार दे रहे हो, मतलब क्या ही बोलूँ आप लोगों का, मतलब इतना प्यार दे रहे हो मुझे, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो ये कचरी हमारा हो गया है रेडी, तो इसे हम चाय के साथ ले लेंगे। चाय नहीं बना रही हूँ मैं, बट ऐसी आपको बता रही हूँ कि चाय के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो आप भी बनाइए अपने घर में, चेक बना के एक बार टेस्ट कीजिए। ये देखिए, और डरने वाली कोई बात नहीं कि चिपक जाता, बिल्कुल नहीं चिपकता है। जैसे ही आप डाल देंगे कढ़ाई में तो वो सारे अलग अलग खिले खिले हो जाते हैं, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, एकदम खिले खिले हो जाते हैं। तो
तो मैंने काफ़ी सारा बना लिया है। और ये मात्र मैंने कुछ 10-20 मिनट, 10 मिनट तो नहीं लेकिन 20 मिनट में मैंने मात्र बनाया। ये देखिए कितना क्रिस्पी और खिला खिला हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है। मतलब ये मार्केट के जैसा, मार्केट में भी ये मिलता है, तो मार्केट के जैसा मैंने एकदम से क्रिस्पी बनाया है। तो गाइज आपको कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए।